आपका परिचय क्या? परिचय मतलब बरेली, यूपी बरेली के रहने वाले, लॉकडाउन खुला उसके बाद में अपने काम पे भागे। ये बेत होता है, ये आसाम का केन है। टिकाव तो ये 25-30 साल चलता है, 13,000, 14,000, 15,000 खाना पीना ही बनाते हैं, ही खाते हैं। आप तो जैसे यूपी बरेली के हैं, दो बच्चे हैं, तो उनसे अधिक बच्चे होने पर आप लगा दिया ना, जो लगाया उसको सोच सब लोग कर रहे हैं, अब करेंगे ना। आप लोगों के चार बच्चे भाई छोड़ दी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनोज, आप देख रहे हैं द खबरदार। इस वक्त हम मौजूद हैं विंध्य की राजधानी कहे जाने वाले रीवा में, और ये जगह है रीवा की यमुना प्रसाद शास्त्री ओवर ब्रिज के नीचे की। जो मेरे पीछे आपको सोफेनुमा संरचनाएं देख पा रहे हैं, इसके कारीगर विभिन्न शहरों में जा करके अपने कारीगरी की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और इन सोफों की सहायता से अपने घर का जीवन यापन चलाते हैं। किस तरीके से इन सोफों का निर्माण किया जाता है, और पिछले कोविड महामारी के वजह से, पिछले लॉकडाउन की वजह से क्या असर पड़ा है इनके व्यवसाय पर, और आर्थिक स्थितियाँ किस तरीके से जगमगा रही हैं, इस चीज़ की चर्चा आज हम अपनी विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जो ये कार्य किया जा रहा है, इस कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो थोड़ा सा नज़दीक आ करके इस काम से जुड़े हुए लोगों से चर्चा करने में हमारी सहायता करें। नमस्कार, आपका परिचय जानना चाहेंगे हम थोड़ा सा? हाँ बोलिए। आपका परिचय क्या? परिचय मतलब नाम कहाँ से? नाम हम बरेली, यूपी बरेली के रहने वाले। बरेली से आप यहाँ रीवा सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर? हाँ आते रहते हैं, हर साल आते हैं। और जैसे लॉकडाउन लगा रहा पिछले साल से एक साल, तो ये धंधा प्रभावित हुआ आपका भी? नहीं, घर पे ही रहना पड़ा था हमको, 6 महीने रहे थे। बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल व्यापार, और जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद में अपने काम पे भागे, घर परेशान हो गए। और ये सोफे आप लोग बनाते हैं, तो इसके लिए जो ये लकड़ियाँ यूज की जाती है, ये बांस होता है? ये बेत होता है, ये आसाम का केन है। आसाम से आप लोग पर्सनली मंगाते हैं? बरेली आता है ये, उनसे थोड़ा थोड़ा हम लोग खरीदते हैं, तो उसको बना के बेचते हैं। और इसके बाद ये आप लोग बरेली मंगाते हैं कहाँ से? आसाम। हाँ, पाठी मंगाती है बरेली, काम है बरेली, बड़ा काम है इसका, व्यापार है बरेली दिल्ली। कितना टिकाऊ तो ये 25-30 साल चलता है, बड़े आराम से। और जो सोफे आप लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो लगभग कीमत कितनी होती है? कीमत ये 13,000, 14,000, 15,000 जी। एक बार जैसे आप रीवा पे आए, एक दो महीने आपने बिजनेस किया? हाँ, करीब 4-6 महीने करते हैं यहाँ, 4 महीने। उसके बाद मतलब जब आप लोग यहाँ से जाते हैं, तो कितने का व्यापार कर लेते हैं? व्यापार ये है कि व्यापार तो ऐसा है कि अपना मजदूरी के हिसाब से खाना पीना रहता है। अब एक 8-10 सौ पे बिक जाए, करीब 4 महीने रहे तो 10-15-20 सौ पे बेच लेते हैं, करीब 2-3 लाख रुपए का व्यापार होता है। और एक सोफे को बनाने में कितना टाइम लगता है? एक हफ्ता पूरा, एक सोफे को बनाने में एक आदमी को 1 हफ्ता लग जाएगा। और ये क्या मशीन है इसका? इससे इसे ये मोड़ते हैं, इससे ये करके जलाते हैं, ये ऐसे करके। और गरम हो जाता है, गरम होके ये मुड़ जाता है। ये जैसे चल रहा है तो कमजोर नहीं होती? नहीं, इसको छुटा के फेंक देते हैं ना, ये सब बड़ा हुआ है सोफा, इसकी काली छुटा के फेंक देते हैं। कमजोर नहीं होता? नहीं, कमजोर ये बेत कमजोर नहीं होता है। हाँ। अरे यहाँ साहब लोग जिससे है ना अधिकारी, सब के पास माल गया है, और भी माल लेते हैं वो लोग, और उनको मालूम है ये कितना चलने वाला है। और ये जो दो और औजार रखे हैं, ये इससे सीधे करते हैं, जैसे ये है भैया, इसको दबा के ये सीधा किया, ये टेढ़ा होता है ना,
इसको सीधा करना पड़ता है, ये अपने जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कितना हमको सीधा करना है। शहर दर शहर जाते हैं, रीवा भी आते हैं, सतना भी जाते हैं, अभी तो यही पे छतरपुर भी जाते हैं, सागर भी जाते हैं, साल भर में पूरा हाँ ये तीन चार शहर हो जाते हैं हमारे, घर तो फिर जाते हैं, घर तो जाते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, कारीगर क्या एक परिवार ही है, सब लोग जो है खाना पीना ही बनाते ही खाते हैं, प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का जो है सहयोग किया जाता है, सहयोग यही है कि यहाँ पे रह रहे हैं आपसे और क्या है मतलब, नहीं कुछ नहीं, 10 रुपए ही पर्ची आती है नगर बस जाना आप 10 रुपए का एक तरीके से आप लोगों का चलता है। ये एक आदमी बनाएगा तो 4-5 दिन में बनाएगा ये, एक कुर्सी दो कुर्सी 100 रुपए का, और उसको तैयारी करने में भी इतना टाइम लगता है 5 दिन, तो एक आदमी को कुल मिलाओ तो 10 दिन टाइम लग जाएगा इसमें। और सोने वगैरह के लिए खाना पीने के लिए बस यही सब है, बस ही पे बनाते हैं खाना और ही पे सो जाते हैं मतलब, और दरमाल लगा लेते हैं। बारिश वगैरह जैसे बारिश वगैरह क्या यहाँ नहीं बरसता है, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता, और मच्छर वगैरह भी काटते हैं, मच्छरदानी लगा लेते हैं, मतलब सारी चीजें जो है तो सारी व्यवस्था आप लोग तैयार रखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और पूरी ताकत के साथ जो है मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं पूरी ताकत के साथ। और जैसे कोरोना रहा एक साल तक घर में ही रहे, लगभग कितना नुकसान हुआ? नुकसान क्या भाई, ये समझ लो जितना परेशानी हो गए, जैसे ही लॉकडाउन खुला वैसे भागे, जैसे तैसे जुगाड़ करके पैसे का जिससे कि चलो भाई करें चल के नहीं तो बेकारी हो जाएंगे। घर में कितने लोग हैं आप? घर में हैं हमारे 4-5 बच्चे हैं और 7-8 लोग हैं। और आप तो जैसे यूपी बरेली के हैं, अभी तो योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्गत जिनके 2 बच्चे हैं तो उनसे अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं से आप लगा दिया है ना, हाँ तो उसके बारे में क्या? आप उसके बारे में जो लगाया उसको सोच सब लोग कर रहे हैं, अब करेंगे ना जी। 2 बच्चे रखेंगे जी। योगी जी ने जो करा है सरकार ने, नहीं तो राज्य सरकार से भी नाम कट जाएगा, सबसे नाम कट जाएगा, तो आदमी नाम क्यों कटवाएगा, जो सरकार करेगी वही करना पड़ेगा। 2 बच्चे कई दिया का 2 बच्चे रहेंगे, जैसे आप लोगों के 4 बच्चे हैं तो अब तो 4 बच्चे हैं ही, अब जो आने वाले टाइम में बोला है तो अब इसको जो है आदमी नियम का पालन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नियम अच्छा है, नियम तो सही है कि मतलब इससे जनसंख्या कम होगी तो उसमें जो है सही रहेगा आदमी कि मतलब की जगह भी कम चाहिए, हर चीज कम चाहिए तो उसमें सही रहेगा ना, सुविधा रहेगी। यूपी में तो वैसे 23 करोड़ है जनसंख्या, सबसे ज्यादा है घर की। शासन की बात अगर करें तो अखिलेश और योगी में किसका शासन अधिक अच्छा मानते हैं? शासन में तो दोनों का ही बढ़िया रहा है। अगर कम ज्यादा की बात करें तो योगी जी का भी बढ़िया रहा, मतलब कि ये जो है क्या नाम अखिलेश भी बढ़िया, अखिलेश का भी इनने अपने जमाने में बढ़िया चलाया था और ये भी बढ़िया चला रहे हैं, दोनों लोग अच्छी संतुष्ट। हाँ दोनों बढ़िया चला रहे हैं। आपका नाम आपने अभी भी नहीं बताया? मेरा नाम फैयाद हुसैन है। और ये आपका पैतृक व्यवसाय है कि या आप लोगों ने खुद कारीगरी सीखी? ये खुद कारीगरी सीखी, मेरे को करीब 30 साल हो गए इसको करते हुए, 30 साल से लगातार ये काम कर रहे हैं, अपना खाना पीना चल रहा है अपने। क्या तो जैसे आप लोग जब पूरे लोग आते हैं तो सब लोग कारीगरी करते हैं कि कुछ लोगों का ये काम बटा हुआ होता है कि ये लोग खाना बनाएंगे? नहीं नहीं सब सब कर लेते हैं, सब लोग मिलकर के सब करते हैं। और ये सारे लोग आपके बच्चे वगैरह हैं? हाँ बच्चे भी हैं, वो कुछ अपने भतीजे मोहल्ले पड़ोस के हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चर्चा करते हैं कुछ इस काम में लगे हुए कारीगरों से जो लगातार इन लकड़ियों को तराश करके एक बेहतर शेप एक बेहतर डिजाइन में बदलने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। स्वागत करते हैं हम आपका द खबरदार न्यूज। जो ये आप कर रहे हैं तो इसको एक बार जलाने के बाद जब मोड़ते हैं फिर इसको पूरा फिनिश करते हैं? हाँ फिनिश हो जाता है इस तरीके से। कमजोर नहीं होती लकड़ी? नहीं नहीं कमजोर नहीं होता, बेट है ना जी, बेट है, बेट की लकड़ी है ये, मजबूत रहता है ये, इतना मोटा मतलब इसकी लकड़ियाँ इतनी पतली नहीं, नहीं मोटा भी रहता है पतला भी होता है। हाँ
लेकिन आपके काम के लिए इस्तेमाल होती है पतला वाला। हाँ, ये पतला जाता। लंबाई कितनी रहती है लगभग? लंबाई 12 फीट भी रहता है, 13 फीट भी रहता है। ये कट के वहाँ से फिनिश हो जाता है, वहाँ से फिट हो जाता है जी। और फिर आप लोग इसको करते हैं, और ये कौन सा, इसका इस्तेमाल कैसे, किस तरीके से होता है? होती है कील को। अच्छा। और इसके बाद जैसे ये कीले जो लगाते हैं आप लोग, इससे एक पतले कीले लगाते हैं और एक मोटी कीले। मोटी कील तो नहीं। इस लकड़ी की विशेषता क्या होती है थोड़ा सा? ये बहुत चलता है, ना कीड़ा लगता है, ना पानी खराब होता है। मतलब इसमें पॉलिश करते रहो, हमेशा नया रहेगा जी, जिस तरीके से रहता है। हाँ, मजबूत रहता है। सागवान वगैरह की लकड़ी? हाँ, सागवान ऐसी रहती है, ऐसी ही रहता है जी। और अगर हम पूरे देश में बात करें, लगभग जो इस लकड़ी बेट की लकड़ी से बनाए सोफों का व्यापार है, तो कितना बड़ा व्यवसाय हो गए? मतलब बहुत चलता है, 30 साल 40 साल 50 साल ही चलता है। और ये लकड़ियाँ जो होती हैं तो आप लोग अपने साथ ले आते हैं? हाँ, ले आते हैं। तो इसमें ट्रक वगैरह में? हाँ, ट्रांसपोर्ट से भी आ जाता है, बस में भी आ जाता है। आप लोग अपने साथ भी लेके आते हैं? हाँ, साथ भी लेके आते हैं। खाना पीना सब यही बनाते हैं? यही बनाते हैं। गैस वगैरह सब वहीं से लेते हैं? नहीं, सब गैस यहाँ लेना पड़ता है। अच्छा। बाकी जो है अपने वहाँ से आते हैं, और बाकी सब सामान यही खरीदना पड़ता है। और जैसे जो प्लास्टिक का धंधा बढ़ रहा है जिस तरीके से, और पूरे तरीके से आधुनिक मार्केट बढ़ रहा है, तो जो आप लोगों को 30 से 40 साल से चल रहा धंधा है, तो कितना असर पड़ा है इस धंधे में? ऐसा है, प्लास्टिक वाला तपता है, बीमारी पैदा करता है जी। और ये जो है, मतलब ये पानी में रहता है, इसकी आग निकली हुई रहती है जी। इसलिए जो है बेंत जो होता है बीमारी दूर करता है इसको जी। मतलब बहुत अच्छी चीज है, मतलब शरीर की उसके लिए। हाँ, मतलब अच्छा अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अच्छा है। हम ये पूछ रहे हैं कि मतलब जो जैसे उसमें तो नई नई डिजाइन आ गई है प्लास्टिक के, आप लोग ये परंपरा का डिजाइन है, तो प्लास्टिक के सामान आने से आपके धंधे में भी असर पड़ता है क्या? नहीं, नहीं, नहीं। जो इसको जानता है वो ही खरीदता है। अच्छा। और जो प्लास्टिक का जानता है प्लास्टिक का खरीदता है, ये बेंत का जो जानता है वो ही खरीदता है। अच्छा। जिसको मालूम है ये चीज अच्छी है वो ही खरीदता है। 15 से 20 साल बड़े जाता है। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? एक हफ्ता एक साइड का लगता है। एक साइड क्या क्या बनता है? दो चेयर, टेबल, सोफा। हमारे साथ एक और कारीगर हैं जो इसका काम कर रहे हैं, इनसे थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? फैजान। कितनी उम्र? उम्र है हमारी 16 साल। और ये धंधा लगभग व्यवसाय कितने टाइम से कर रहे हैं? काम कितने टाइम से व्यवसाय कर रहे हैं? इधर साइड से काम कितने टाइम से? हम हो गए 3 साल। 3 साल। हाँ। तो शुरू शुरू में तो अभी आपका यही काम है? अभी तो मैं नहीं बना पाता हूँ, अभी बना लेता हूँ। बना लेता हूँ। कितने कम उम्र में? हाँ। और घर से शुरू करते हैं कि मतलब सिखाते हैं पापा लोग कि ऐसे धीरे धीरे सीख जाते हैं अपने आप? हाँ, सीख जाते हैं धीरे धीरे, देखते देखते। इसको आप क्या कर रहे हैं? बराबर शेप में कर रहे हैं जो? हाँ, शेप। ये ज़्यादा मोटे हैं, इसको पतला पतला कर रहे हैं। किसकी लकड़ी है पता है आपको? बेंत की लकड़ी है। घर से बचपन से देख रहे होंगे, है ना? हाँ। पढ़ाई लिखाई क्या हुई आपकी? पढ़ाई लिखाई भी करी है। कहाँ तक? हमने 4-5 तक करी। अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ने का पढ़े फिर क्यों नहीं आगे? पढ़ाई छोड़ दी थी, करने की काम कर लेते हैं। काम करना ज़्यादा अच्छा लगा? हाँ, काम में शौक लगता है। अच्छा, शौक लगता है। तो जब ये पतली पतली लकड़ियों को आप लोग सोफे में बदल देते हैं, फिर सोफे को जब देखते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि मतलब हमारी मेहनत सफल हो गई, है ना? हाँ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हम चाहेंगे कि जो बने हुए सोफे हैं थोड़ा सा उसको हमें वो किएगा। आप देख सकते हैं कि ये लकड़ियां हैं, इन्हीं लकड़ियों को तराश करके ये एक डिज़ाइन तैयार की जा रही है। जैसे आप देख सकते हैं, ये सोफे की डिज़ाइन बनाई जा रही है, और ये सोफे की डिज़ाइन बल्कि बिल्कुल अंतिम चरण में है। किस तरीके से इसमें कीले ठोक करके इसको तैयार किया जा रहा है, इसके बाद कुछ हम दिखाना चाहेंगे। आइए थोड़ा सा, आप भी कारीगर ही हैं? आप भी कारीगर? हाँ।
मैं तो काम करता हूँ। अच्छा काम करते हैं इन लोगों के साथ, भैया लोग साथ? नहीं इधर काम करता हूँ। अच्छा चलिए आ जाइए, थोड़ा सा इस हमारे इसके बारे में थोड़ा बताइए आप लोग। आप देख रहे हैं मेरे सामने, जैसे आप लोग ये जो सामान बना रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? ये झूला कहलाता है जी। और इसकी प्राइस लगभग कितनी होती है? इसकी प्राइस 3500 बोलते हैं, 3200 का जाता है हमारा। 3200 का ये सिंगल जाता है? सिंगल झूला जाता है। और जब बनाते हैं तो बनाने में लगभग टाइम? टाइम इसमें एक आदमी को 2 दिन जाता है। तो इसके लिए जो डिजाइन होते हैं तो डिजाइन आप लोग स्वयं तैयार करते हैं या फिर ऑर्डर्स के हिसाब से? अपने दिमाग से बना देते हैं, और ग्राहक भी मांग लेते हैं, उनको मालूम है कैसा डिजाइन चाहिए, कि काफी टाइम हो गया हमको यहाँ काम करते हुए, तो बोल देते हैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बना देते हैं उस हिसाब से आप तैयार। हाँ बना देते हैं, बना के भी रखते हैं। और ये बांधने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग? ये डोरी रहती है प्लास्टिक की। अच्छा प्लास्टिक की डोरी का आप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप इसको लकड़ियों को जला करके टेढ़ा करते हैं? पहले सीधा करते हैं, फिर जला के टेढ़ा करते हैं, फिर इसकी फिटिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिनिश करते हैं, पहले फिर फिटिंग करते हैं, और फिर उसके बाद पॉलिश करते हैं। पॉलिश कर। पॉलिश कितने दिन में सूख जाती है? पॉलिश तो करीब 8 घंटे लग जाते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे और कई सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ये क्या? ये सेंटर टेबल है। इसकी कीमत है 2800 रुपये। और इसके बाद ये एक अलग तरीके की चेयर जो है ये 2250 रुपये की है जी। ये 2000 की जाती है हमारी चेयर जी। इसकी पत्तियाँ जो होती हैं काट के भी लगाई? हाँ हाँ जी लगी हुई है ना जी। और ये जो आराम कुर्सी? ये आराम कुर्सी है जी, ये 4000 रुपये की है जी। ये देखो लगभग कितने दिनों तक चल जाएगी? ये चल जाएगी आपकी 10-15 साल। 10 से 15 साल? 15 साल चलेगी। कोई शिकायत इसकी नहीं? कोई शिकायत नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग जो सामान बेचते हो फिर उसके बाद कुछ समय के बाद कोई ग्राहक वापस आया हो? कभी नहीं। 5 साल हो गए यहाँ हमको आते हुए, कभी ग्राहक जो ग्राहक ले गए माल वो और भी ले जाते हैं, और कभी कुछ पॉलिश की जरूरत पड़ती है लगा देते हैं उसमें हम बस। और कुछ जैसे एक हिसाब से अगर प्लास्टिक के हिसाब से हम चर्चा करते हैं तो आपकी जो कुर्सियाँ हैं थोड़ा सा कीमत में महंगी होती हैं, मगर वो प्लास्टिक प्लास्टिक है, वो बेकार फेल रहता है। लेकिन जो ये महंगे और सस्ते का फर्क होता है बिक्री में, इसका अंतर तो काफी पड़ता है। इसको जो समझ पाता है वही लेता है, कि मतलब शौकीन लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, कभी दिल्ली गए दिल्ली से ले आए, उन्होंने देखा यहाँ बिक रहा है यहाँ भी ले लिया, ऐसा रहता है पहले। थोड़ा सा जो हाई क्लास टाइप के लोग होते हैं हाँ वो लेते हैं, शौक जिसे शौक है वो भी लेते हैं ना, कि हमको शौक है ले लिया ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी कीमतें फिक्स होती हैं या फिर ग्राहक देख करके थोड़ा सा ऊपर नीचे? नहीं नहीं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहता, बाकी तो कीमत यही रहती है। और इसके बाद ये सोफा है? अब ये सोफा सेट है 1, 2, 3, 4 ये सेंटर टेबल, ये सारी चीज़ें मिला करके 12 से 15 हज़ार पड़ता है। थोड़ा बहुत 150-200 के साथ कर लेते हैं। चलिए आप लोगों ने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपका भी धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये बहुरंगी सोफे तैयार किए जाते हैं, बेंत की लकड़ियों से बनाए जाते हैं जैसा अभी हमें पता चला है। और इसके साथ ही साथ इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये 15 से 20 वर्षों तक बिना किसी शिकायत के चल जाती है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से कितने मेहनत से ये कुर्सियाँ तैयार की जाती हैं और आपके बीच होती हैं। ये लोग वर्ष भर मेहनत करते हैं और दूसरे ज़िलों से दूसरे प्रदेशों से आकर के शहर दर शहर अपना व्यापार संचालित करते हैं, अपने साथ ही भोजन का सामान रहने का सामान भी ये लेकर के आते हैं। और इसके साथ ही साथ बात करें तो इनके जीवन यापन का एकमात्र आधार यही है। ऐसे ही किसी अन्य रिपोर्ट के साथ ऐसे किसी अन्य व्यवसाय की चर्चा आपके सामने हम करेंगे। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।